दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये और ये। अभी ये सफाई हो चुकी है, इसके बाद हम ये डाल देख सकते हैं। लेकिन छोटू भी बाज आ रहा है, छोटू को बाज करना पड़ेगा। अंडा दे दिया है वो देख सकते हैं माशाल्लाह से, और इसके ये बच्चे दिखाएं, बच्चे देख सकते हैं कहाँ पे खाने वाली जगह। अच्छा जी, अभी भी जो है वो बाहर से आवाज आ रही है कि यहाँ पर जो है वो मुर्गियों वाला आ चुका है, तो हमने जो है अंडों वाली वैसे मुर्गियाँ लेनी है, भाग के जाते हैं पूछते हैं, और इस पिंजरे में जो है वो दो तीन चार जितनी मिली उतनी लेकर आ जाएंगे, तो चलिए जल्द से भाग के मैं जाकर लेकर आता हूँ। हाँ जी, तो देख सकते हैं जो हम बहुत सारे मुर्गियाँ लेकर आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो अभी हम इन्हें जल्दी से ऊपर लेकर जाते हैं और इनकी सेटिंग बिठाते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ करने वाला है इस ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो चलिए जल्द से चलते हैं इन्हें लेकर। नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा है। ये देख सकते हैं चूजा किस तरह से मरने की एक्टिंग कर रहा है। आगे भी मैं आया हूँ तो इसी तरह से, जब बहुत ही ज्यादा जब मुझे जो है आया, मुझे लगा यहाँ पर ये शायद मर चुका है, लेकिन ये जो है शायद धूप के मजे ले रहा है, पता नहीं क्या चीज है यार, बाकियों को गर्मी लग रही है और इसे बहुत ज्यादा मजे आ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा पिछला पहला चूजा, ये माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा हो चुका है, माशाल्लाह जरूर से पढ़ना। तो अभी हम आपको मुर्गियाँ दिखाते हैं, पहले पहले वाली वो है, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मैंने जो है ये और भी डाली थी, दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये और ये। अच्छा जी, ये देख सकते हैं सारी की सारी बाहर निकल आई हैं माशाल्लाह से, ये भी ली है और एक दूसरी भी ली है, वो आप लोगों को दिखाते हैं कौन कौन सी अभी भी ली है। एक तो ये ली है देख सकते हैं माशाल्लाह से बड़ी है, लेकिन यहाँ पर और एक ये सफेद वाली है मेरे पीछे, आप लोग दिखाएंगे देख सकते हैं, एक ये ली है। तो अच्छा, ये जो है ये अंडे देने वाली बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो है उन्होंने कहा है कि तकरीबन 15 दिन महीना 20 दिन इतने लग सकते हैं, और ये जो है ये अपने उधर जाना चाह रही हैं, तो इन्हें उधर डाल देते हैं ताकि यहाँ पर ये घुस सके। अच्छा जी, देख सकते हैं ये थैम्बलर वगैरह जो है शूट हो चुकी है, तो अभी हम पहले इनके अगर बीच छोड़ के देखते हैं, अगर इनकी मैनेजमेंट हो जाती है, ये मैनेज कर लेते हैं, तो फिर हम जो है इधर ही कर लेते हैं, अभी इधर जो है छोड़ देते हैं, और ये बाकी भी निकल रहे हैं तो इन्हें हम वापस बंद कर देते हैं और बाकियों को इधर लेकर आते हैं ताकि ये अपन जगह पर सीख। चलो चलो, देख सकते हैं सारी सारी घुस चुकी हैं, अभी देख लेते हैं थोड़ी देर की, अगर ये अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं तो मुझे ओहो, ये इधर आके दिखाएं, ये देख सकते हैं यार ये जो है बड़ी मुर्गियाँ, लेकिन एकदम शायद जो है मासूम है, ये जो है इन्हें जो है वो दूसरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मार रही थी आगे, ये सफ़ेद वाली को, ये बाकी छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये मार रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो है इन्हें बाहर छोड़ देते हैं, अलग ही कर देते हैं, ये रहा इन्हें मार मार के गजा कर दें जिस तरह से दूसरे कबूतर वगैरह करते हैं, तो शायद आपको कैमरे में ना दिखा हो लेकिन इन्हें बाहर भी निकालना अच्छा है, ये रहा बाइक में निकाले तो इनको गजा कर दिया हो, इन्होंने तो अंडे देने हैं, और ये देख सकते हैं कि मासूम दूसरी भाग रही है, और ये एक जगह तो आप खड़ी हैं, इधर इन्हें छोड़ देते हैं, ये बाहर घूमती रहे तो ठीक है। अभी इनके लिए जो है मैंने आपको दिखाना था, इधर आए आप माशाल्लाह से, वैसे आपको ये पहले दिखा दें कि माशाल्लाह से हमारे इस जो है कबूतरी ने अंडा दे दिया है, वो देख सकते हैं माशाल्लाह से, और इसके ये बच्चे दिखाएं, बच्चे देख सकते हैं कहाँ पे खाने वाली जगह पर बैठे हुए हैं, और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा खल रही है, इधर आप आके दिखाएं, ये देख सकते हैं ये देखें, यहाँ पर आपको शायद जो है वो कीड़े दिखाई देंगे, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो कीड़े हैं, तो मेरे ख्याल से इसके भी सफाई कर लेते हैं, और ये जो कीड़े वगैरह होंगे ये बाकी और कोई भी खाते, ये सिर्फ और सिर्फ ये मुर्गियाँ खा लेंगी, तो अभी जो है इनकी सफाई करते हैं, और यहाँ पर नई तूड़ी पड़ी हुई है, ये वाली तूड़ी इधर डालेंगे, और ऊपर वालों का भी सेम यही हाल है, देख सकते हैं यहाँ पर जो है इन पे भी थोड़े बहुत कीड़े हैं, तो वो मैं आप लोगों को सब सफाया करते हैं, इनकी शायद इतनी ज़्यादा सफाई की जो है अभी जरूरत तो नहीं है, लेकिन नीचे वालों का ज़्यादा गंद मचा हुआ है, वैसे मैंने अंडे को तो नहीं पकड़ना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एहतियात से जो है काम करेंगे, तो अभी पहले थोड़ी सी ईंटे बाहर निकाल लेते हैं, और इस कबूतरी कबूतर को भी बाहर छोड़ देते हैं ताकि जो है ये बाहर घूम फिर सके, ये यहाँ पर छोड़ देते हैं, और अच्छा जी अभी क्या करना है, सबसे पहले ईंटे बाहर निकाल लेते हैं, अच्छा ये निकालें ईंटे, और अभी क्या करना है हमने, अभी आराम से जो है इन्हें साइड साइड से निकालते जाना, अंडा भी सेफ रहे और बाकी चीज़ें भी सेफ रहें।
ये देख सकते हैं इस तरह से मैं निकालता जा रहा हूँ और अंडा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल हाथ टच किए बगैर जो थोड़ा सा टच हो गया है, लेकिन कुछ नहीं होता। और यहाँ से हम जो है इसे इस तरह से निकालते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं ताकि जो मुर्गियाँ हैं इसे चुन सकें। यहाँ से इस तरह से करेंगे और ये इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है वो कर रहा हूँ ताकि जो है ये अच्छे तरीके से ऐसे ये खा सकें। और यहाँ पर ये बीच भी हो चुकी है, मुझे पता नहीं चला, लेकिन अभी हम दूसरी मुर्गियों को छोड़ते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इधर आए। ये देख सकते हैं ये कीड़े, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हिल रहे हैं, ये दिख रहा है आपको ये कीड़े। तो अभी ये जो है वो दूसरी मुर्गियाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े से खा चुके हैं तो हम उन्हें छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें छोड़ने से पहले मैं जो है यहाँ पर डाल देता हूँ थोड़ी। अच्छा अभी हम जल्दी से डाल लेते हैं थोड़ी। और इस चूजे को देखें कितनी ज़्यादा इसे मस्ती लड़ी हुई है, इधर है क्या चीज़ खाने की जो ये खाने को भाग रहा है। अच्छा जी ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा इस अंडे को पकड़ के साइड पर कर देते हैं, इधर साइड पर करते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा अंडा है। और अभी जो है हम इस तरह से डालते जाते हैं, ये जो है बीठे करती रहती हैं इसी वजह से जो है ये इस तरह से होता रहता है। अभी जो है इनके रख देते हैं और ये रख दिए अंडे, और इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी तूड़ी और डाल देते हैं ताकि ये जो है अंडा ख़राब ना कर दें, क्योंकि नरम जगह होगी तो अंडे के ऊपर पाँव भी आएगा तो वो टूटेगा नहीं, क्योंकि मद्दा बढ़ेगा टूटेगा नहीं, ये देख सकते हैं। और अब जो है अंडे की थोड़ी सी फोटोशूट भी हो जाए और कबूतर को साथ पकड़ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देख सकते हैं अभी जो है जंगलर इधर नाम लिखे, जब इसे छोड़ देते हैं और ये अंडा देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये माशाल्लाह से बड़े बड़े अंडे देते हैं। और ये ऊपर शराबियों में जो है वो अंडे ख़राब हो गए थे, वो वाली आप लोगों ने वीडियो देखी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन अभी उनका भी है कि अभी वो जल्दी अंडे दे देंगी। तो ये देख सकते हैं वो चुग रही हैं मुर्गियाँ, और ये हमने तूड़ी वगैरह भी डाल दी, और मेरे ख्याल से जो है वो दूसरों को भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हैंड टेम का जो है वो काम थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया है, ये देख सकते हैं। और इस बच्चे का यह पता नहीं मुझे क्या, ये जो है कभी कभी ये यहाँ से छूँ 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 इस तरह से करता है, कहीं से जुकाम वगैरह तो नहीं हो गया? अगर किसी को पता है तो हमें ज़रूर से बताइए, और इनका हम हैंड टेम का काम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं ऐसे ये इसे लगता रहता है, ये छोटू दादा बहुत ज़्यादा शरारती होता जा रहा है। इसके अंदर हम छोड़ देते हैं, ये अपनी जगह पर रहे और ये अंडों की तरफ ना जाए, ये अंडों की तरफ अगर गया तो ये अंडे ख़राब भी कर सकता है। अच्छा जी अभी हम ऐसा करते हैं कि आप देख सकते हैं ये चुग तो रहे हैं सब लोग, लेकिन हम दूसरों को छोड़ देते हैं ताकि ये एक फ्रेंड सब लोग अच्छे से जो है वो खा पी सकें और यहाँ पर बीठे जो है वो ख़राब ना हो। ये देखें अभी थोड़ा सा दूर से फ्रेम लो, देखें माशाल्लाह कितनी ज़्यादा जो है वो सारी की सारी मुर्गियाँ भी जो है देखें कितनी ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो सब कुछ चुग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से एक फ्रेम में। और हम जो है और चीज़ें भी लेकर आने वाले हैं, आप लोग सुनते रहे होंगे और चीज़ें लेकर आनी है। तो मुर्गियाँ अभी हम ला रहे हैं, अभी अंडों वाली ये अभी अंडे ये तो देंगी, लेकिन मेरे ख्याल से एक शील मुर्गा और इसके साथ साथ कोई और मुर्गियाँ जो अंडे देने वाली हों वो लेनी चाहिए, आपके हिसाब से वैसे वो आनी चाहिए लानी चाहिए। देख सकते हैं कबूतर कबूतर ये बहुत ज़्यादा मज़े से चुग रहा है, और छोटू दादा चुग रहा है, और यहाँ पर ये बड़ू दादा चुग रहा है, और ये मुर्गियों की गैंग जो है वो भी इधर से चुग रही है। जिसके बाद ये जब चुग लेंगे और यहाँ पर ये जितना भी गंद वगैरह है इधर से हम जो है वो बोकर मारेंगे, इससे जो है कुछ सफाया कर देंगे, और जो है वो पानी वगैरह जहाँ जहाँ कम है वह वहाँ पानी डाल देंगे, तो फिर बाद में दोस्त होंगे तो फिर वो भी खा लेंगे। वो देख सकते हैं पहले मैंने समझा था कि यहाँ पर ये जो है ये दोनों जोड़े होंगे, ये जो आप लोग देख सकते हैं वो और वो, ये दोनों मैंने सोचा था जोड़ा होंगे, लेकिन ये दोनों कबूतरे हैं और इनको ये एक बड़े कबूतर में ही काम सेट कर दिया है। और रात को पेटी में पड़ा हुआ था अंडा, तो मैंने जो है उठा के वहाँ पर तूड़ी डाली, और वो देख सकते हैं अंडा अभी तो उसके नीचे बैठ रही, मेरे ख्याल से जब दूसरा अंडा देगी तब जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े से बैठा करेगी। तो आई होप सो अभी इनको जो है हम थोड़ी देर में करते हैं बाकी सारा कुछ, तो सफाई करते हैं। अच्छा पहले आप लोग वो देख सकते हैं वो अलग ही खड़ी रहती हैं, पता नहीं इनका क्या मसला है ये क्यों अलग खड़ी रहती हैं। और शायद अभी हम इधर डाल लेते हैं ये साइड से, अभी निकाल लेते हैं, वैसे वो चुग तो रहे हैं लेकिन फिर भी हम एक जगह ढेरी कर देते हैं, और क्योंकि ये गंद है सारा का सारा और इसमें दाना भी है। ये जी जो छोटू है वो खिलाफ नहीं कोशिश कर रहा है, कितने ज्यादा इसे मस्ती है, ये देख सकते हैं जी सारा गंद डाल रहा है, एक तो ये छोटू जो है ना ये ही निकाल देगा, ये देख सकते हैं साफ सफाई कर रहा हूं, ये उड़ा रहा बार बार, ये देख के उड़ाए, ये आजकल बड़ा शरीर होता जा रहा है, ये देखें ये
बड़ू को आजकल भी थोड़ी सी है, अभी यह सफाई हो चुकी है, इसके बाद हम ये डाल देख सकते हैं। लेकिन छोटू ही बाज आ रहा, छोटू को बाज करना पड़ेगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ओके भाई फ्रेंड, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।